एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर 2 फरवरी की सुबह एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसे देखकर फैंस परेशान हो गए। इस पोस्ट में लिखा है कि पूनम की मौत हो गई है, उनका निधन सर्वाइकल कैंसर से हुआ है। पूनम पांडे की टीम, शुक्रवार तक लोग सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस पूनम पांडे के मरने की खबर से हैरान थे और शोक जता रहे थे। वहीं आज लोग सवाल उठाने लगे कि अगर वे मर चुकी हैं तो उनका शव कहां है। लोगों का यह संदेह सच भी साबित हो गया और अब खबर आई है कि पूनम जिंदा है। अपनी बोल्डनेस के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मौत की खबर ने लोगों, एक यूजर ने लिखा, कल हमने सुना कि पूनम पांडे की मृत्यु हो गई और आज सुन रहे हैं कि शायद पूनम पांडे जीवित हैं। उनकी कथित मौत एक पब्लिसिटी स्टंट लगती है। उसके डेड बॉडी के बारे में जानकारी न होना सवाल खड़े करता है। आप क्या सोचते हैं? न पूनम पांडे ने बताया, मौत के झूठ का सच सुनिए। Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. She was a good soul. Cervical cancer is still the second most common cancer amongst Indian women. Today we will be talking about the HPV vaccine. There's an 80% chance that you have HPV. There are 3 types of HPV vaccines available, and depending on which one you take, you can take it from age 9 to 45. Get the awareness going.